de mayame Please follow my Instagram. क्या नाम है आपका टीम मैम जो है शादी होगी आपकी या होनी है होनी है क्या आपको बेस्ट लगता है इस आदमी के बारे में He has lot of patience. और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है और आपको क्या पसंद है मैम के बारे में आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना तू समझा नहीं पूछा किसी ने नहीं पूछा तो दोस्तों आप टेंशन मत लो एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा सुबेरे उड़ते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ उससे मेरा क्या फायदा हुआ मुझे क्या मिला बताओ उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है जल्दी करो सब्सक्राइब करो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नहीं सब्सक्राइब करो फील यू पाकिस्तानी जो टिपिकल ऑडियंस है वो काफी ज्यादा हेट कमेंट्स कर रही है पता नहीं कैसी आवाम है जो ऐसी गंदी मेंटेलिटी लेके बैठ रही है समंदर है फेंकेगा क्या बच्ची को ऐसे ही हेलो हाउ आर यू आई एम अंडर द वाटर प्लीज हेल्प मी हियर टू मच रेनिंग ये का बवासीर बना दिया चूहा समझे होगा सो अ कपल ऑफ आवर सॉन्ग्स आर ऑन दिस प्लेलिस्ट कॉल्ड प्ले दिस एट माय फ्यूनरल बाय एली मैन आई जस्ट कैन इमेजिन एनीवन लिसनिंग टू दिस एट अ फ्यूनरल दैट्स अ प्रीटी मेस्ड अप फ्यूनरल महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है ममता नंगी लेटी बाप किथे चल्ला है मैं तो भूल गया सी कि बाप नल्ला है ममता की पूसी है टाइट गुड्डू पिएगा ना लाइट गुड्डू मीठा जैसे गुड डे ममता देती ऑल नाइट बूम फटे बूम बूम फटे बूम टोन बने कौन बूम फटे बूम फटे बूम फटे बूम फटे बस सतम खादी वो सॉन्ग मरे बस मतम सारी वो Kissing feels good and it's good for you. A passionate kiss burns about. Please follow my Instagram. आप नबी के नाम पे रोड ब्लॉक कर रहे हो एक तरफ नबी ने फरमाया जिसने रास्ते से कांटा नहीं हटाया ना वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है और आप रास्ते में पूरे पूरे जुलूस लाके चार चार घंटे ट्रैफिक जाम कर रहे हो आप कितने लोगों की मैयतें हो जाती हैं बीच में दुनिया के किसी मुल्क में इसकी इजाजत नहीं है और आपने इस पे लेबल क्या लगा लिया मजहब का लेबल अल्लाह को हम राजी कर रहे हैं अल्लाह इस पे राजी नहीं है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है आप उठाते नहीं हो अल्लाह इस पे राजी कहा होगा कि रास्ते में कांटा फेंको कांटा फेंकने की तकलीफ ज्यादा है या छह छह घंटे के लिए रोड बंद करने की तकलीफ ज्यादा है मोबाइल के सिग्नल बंद इमरजेंसी मत क्या हजरत हुसैन इस चीज से खुश होंगे रबीउल अव्वल में भी यही होता है फिर भी मैं कहता हूँ आप किसी पे तंज ना करें जाके छेड़े नहीं जो कर रहा है उसको करने दें लेकिन अपने ईमान की तो हिफाजत करो मेरे भाई आप तो समझो कि ये चीजें मजहब में शामिल नहीं है वो
فبالله كم تستطيع.